इंडिया में बारिश का जो मौसम है स्टार्ट हो गया है, एंड अगर आप बारिश से एसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक देखना। यहाँ पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रोटेक्ट एसी फ्रॉम रेन। तो वीडियो जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो डेफिनेटली अंत तक देखना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। एंड वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसबाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। तो बारिश से एसी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप सिंपली जो डेडिकेटेड जो एसी का कवर है उसे यूज कर सकते हो। ऐसा कवर यूज करना जिसमें जो मॉइस्चर जो है यहाँ पर ब्लॉक ना हो, जिससे जो है रस्ट वगैरह देखने को ना मिले। एंड ऐसा जो है कवर को यूज करना चाहिए जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो हो पाए। अगर प्रॉपर एयर फ्लो नहीं होगा तो एसी जो है सही से कूलिंग नहीं कर पाएगा, प्लस ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है कंज्यूम करेगा। तो अब डेफिनेटली एक बढ़िया एंड डेडिकेटेड जो एसी का जो कवर है उसे यूज़ करना, जिसमें जो है यहाँ पर मॉइस्चर जो है यहाँ पर ब्लॉक ना हो एंड जो एयर फ्लो भी ब्लॉक ना हो, ऐसा जो है एसी कवर की यूज़ करना चाहिए। इससे जो है यहाँ पर बारिश से जो है डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है। प्लस यहाँ पर जो एसी का जो कवर हो प्रॉपरली जो है पर फिट होना चाहिए, जिससे जो है यहाँ पर कोई जो स्ट्रॉन्ग विंड वगैरह से जो है यहाँ पर कवर जो हट ना जाए। तो ये भी जो है डेफिनेटली ध्यान में देना होगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा एसी कवर से भी सबसे अच्छा है अगर आप एक रूफ को इंस्टॉल करते हो। अगर आप एसी के ऊपर एक स्मॉल रूफ को इंस्टॉल करोगे, जिससे आपको जो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देखने को मिलेगा, बारिश से भी प्रोटेक्ट हो जाएगा, प्लस जो समर के टाइम डायरेक्ट सनलाइट है उससे भी जो है प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो एसी का जो कवर है उससे और ज़्यादा अच्छा है अगर आप एक स्मॉल रूफ को जो है इंस्टॉल करोगे, तो आपको यहाँ पर बारिश प्लस समर जो डायरेक्ट सनलाइट है उससे भी जो है प्रोटेक्ट करेगा, जो कि काफ़ी सही रहता है। एंड यहाँ पर जो आउटडोर यूनिट है यहाँ पर हीट नहीं होगा, स्पेशली समर के टाइम अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है आउटडोर यूनिट में तो आउटडोर यूनिट जो है हीट हो जाता है। तो अगर आप एक रूफ को इंस्टॉल करोगे स्मॉल रूफ को, इससे आपको जो है बेटर जो है देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू एसी का जो कवर है उससे ज़्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। बाकी जब बारिश नहीं हो रहा है और जब ज़रूरत नहीं है तो जो कवर है उसे आपको सिंपली यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि कवर के वजह से जो है पर प्रॉपर एयर फ्लो जो है ब्लॉक हो सकता है, और इसके वजह से जो है आउटडोर यूनिट जो है ओवर हीट भी हो सकता है, जो कि सही नहीं होगा। तो डेफिनेटली जब बारिश नहीं हो रहा है और जब ज़रूरत नहीं है तो कवर को रिमूव कर दो, जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो देखने को मिले एंड कोई भी ओवर हीटिंग का जो है इशू है देखने को ना मिले। प्लस यहाँ पर प्रॉपर जो है ड्रेनेज भी होना चाहिए, तो यहाँ पर जो ड्रेनेज पाइप है उसे रेगुलरली क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो है लीव्स वगैरह है, डस्ट वगैरह है चला जाता है, जिससे जो है ड्रेनेज पाइप जो है ब्लॉक हो जाता है। तो अगर ड्रेनेज पाइप ब्लॉक है तो इसमें जो है वाटर लीकेज का जो है प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो प्रॉपर जो है ड्रेनेज पाइप को क्लीन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एसी को आप जो है कवर कर सकते हो, जो डेडिकेटेड एसी का जो कवर है उससे ही कवर करना। एंड अगर आप सही से एसी को जो है कवर नहीं करते हो तो उससे जो है यहाँ पर एयर फ्लो जो है रिड्यूस हो जाएगा एंड इससे जो है ओवर हीटिंग भी हो सकता है, जिससे जो है एसी में जो है इश्यूज देखने को मिल सकता है। एंड बारिश के टाइम जो है रेगुलर एसी को मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़रूरी है। बारिश के टाइम नहीं, समर हो जाए विंटर हो जाए, सभी टाइम अगर आप एसी की यूज़ करना चाहते हो तो उसे रेगुलर मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंडोर यूनिट का जो कॉयल है, आउटडोर यूनिट का जो कॉयल है, प्लस जो एयर फिल्टर है उसे रेगुलर क्लीन करना ज़रूरी है। इससे जो है इसका जो कूलिंग है इंक्रीज हो जाएगा, प्लस लॉन्गजिविटी भी इंक्रीज होता है। प्लस इसी का जो आउटडोर यूनिट का जो वेंट्स वगैरह है उसे जो है पर ब्लॉक नहीं करना चाहिए, इससे जो है एयर फ्लो रिड्यूस हो जाता है एंड ओवरहीटिंग का जो इशू देखने को मिलेगा।
प्लस एसी का जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है सभी जो है केस के अंदर ही देखने को मिलता है। एंड एसी का जो आउटडोर यूनिट है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि उसमें जो है वो जो एसी है सालों साल काम करे। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप चाहो तो विदाउट एसी कवर भी जो है एसी को यूज़ कर सकते हो। एंड जैसे आपको बताया है आप सिंपली यहाँ पर टेम्पररी कवर को यूज़ कीजिए जिससे जो है यहाँ पर मॉइस्चर्स वगैरह जो है यहाँ पर नहीं हो पाएगा एंड जिससे जो है डस्टिंग का जो इशू है देखने को ना मिले। एंड जो आउटडोर यूनिट है एसी का इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि गर्मी हो जाए बारिश हो जाए विंटर हो जाए सभी सीजन में जो है काम करे। काफ़ी बढ़िया जो है पर हाई क्वालिटी ड्यूरेबल मटेरियल से तैयार किया जाता है जिसमें जो है यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जो है अच्छा बिल्ड क्वालिटी देखने को मिले। एंड इससे आपको जो है आप बारिश के टाइम भी एसी को विदाउट कवर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर आप जो है एसी को बारिश में से जो है प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पर एसी का जो है कवर यूज़ कर सकते हो। डेफिनेटली एक पर्सनल चॉइस है, मैं पर्सनली जो है एसी के लिए कोई भी कवर की यूज़ नहीं करता हूँ, बट अगर आप चाहो तो यहाँ पर जो एसी का जो कवर है उसे यूज़ कर सकते हो। इससे जो है यहाँ पर जो रेन है उससे आप जो है एसी को प्रोटेक्ट कर सकते हो। बट जैसे वो बताया है एसी का जो आउटडोर यूनिट है इसका जो बेल्ट क्वालिटी है जो ड्यूरेबिलिटी होता है काफ़ी बढ़िया रहता है। इससे जो है यहाँ पर बारिश के टाइम जो है एसी में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर आप कवर की यूज़ कर रहे हो तो एक बढ़िया कवर की यूज़ करना जिसमें जो है यहाँ पर मॉइस्चर जो है यहाँ पर ब्लॉक ना हो पाए। एंड जब ज़रूरत नहीं है तो जो है कवर को सिंपली यहाँ पर रिमूव कर देना चाहिए जिससे जो है प्रॉपर एयर फ्लो हो पाए। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप सिंपली एक जो स्मॉल रूफ है उसे इंस्टॉल कर लीजिए जिससे आपको जो है बारिश प्लस समर दोनों टाइम ही जो है प्रोटेक्शन देखने को मिल जाए। प्लस जो ड्रेनेज पाइप है उसे प्रॉपर क्लीन करना ज़रूरी है एंड रेगुलर एसी को मेंटेनेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो है एसी का जो लॉन्गजिविटी है डेफिनेटली यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है। तो ये सभी टिप्स को जो है ज़रूर से फॉलो करना चाहिए। एंड डेफिनेटली आप जो है बारिश के टाइम भी एसी को यूज़ कर सकते हो ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, प्लस जो एयर क्वालिटी उसे इम्प्रूव करने के लिए, प्लस जो क्लोथ वगैरह है उसे ड्राई करने के लिए भी आप जो है एसी को यूज़ कर सकते हो, प्लस जो बैड स्मेल है उसे रिमूव करने के लिए भी एसी को यूज़ कर पाओगे, प्लस जो कम्फर्ट है उसकी वजह से भी आप जो है एसी को यूज़ कर सकते हो, कोई भी इशू वाली बात नहीं है। एंड बारिश के टाइम अगर आप इसे यूज़ करते हो तो आप सिंपली यहाँ पर जो ड्राई मोड है उसे यूज़ करो, इससे जो है आपको जो ह्यूमिडिटी कंट्रोल है आपको बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड सही टेम्परेचर को एसी यूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तक जो आप एसी का जो टेम्परेचर है सिलेक्ट कीजिए। एंड रेगुलर एसी का जो फिल्टर है उसे क्लीन करना चाहिए, प्लस सीलिंग फैन के साथ आप जो एसी को यूज़ कर सकते हो, इससे आपको जो बेटर एयर फ्लो देखने को मिल जाएगा जो कि काफ़ी सही है। तो ये सभी टिप्स को फॉलो कर सकते हो। एनीवे जो वीडियो है आपको कैसा लगा जरूर से कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। एसी रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड किया है, आप सिंपली एसी का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।